तो दोस्तों, आज मैं फिर आ चुका हूँ आप सबसे मिलने। तो आज हम एक सीरियस बात करेंगे, एक लाइट वे में, एक लाइट टोन में। तो आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट्स के सहारे। और एक बात, यहाँ पे मैं ट्रोल करने के लिए नहीं बैठा हूँ, ना ही मैं अपनी बढ़ावा कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी फिल्म को नीचा दिखा रहा हूँ। बस ये मेरा एक व्यू था, तो आप मुझे हेट मत कीजिएगा। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं। तो बात यह है कि अभी हाल ही में एक मूवी आई है कन्नड़ इंडस्ट्री की, नाम है कंटारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुकी है और अभी तक इसने करीबन 220-230 करोड़ की कमाई कर चुकी है। इसकी पॉपुलैरिटी को देख के होमबॉले फिल्म्स ने इसको डब कराया डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, और ये अच्छी कर रही है। हिंदी में इसने कुल 30 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर लिया, साउथ लैंग्वेजेस में ये बहुत ही अच्छी चल रही है और ये KGF के फुटबॉल्स को भी बीट कर चुकी है। तो अभी तक बहुत जन ने इसे देख लिया रहेगा, अनऑथराइज तरीके से भी, ऑथराइज तरीके से भी। आपको पता ही है कि आपने इसे देखा है, आपको ये बहुत अच्छी लग रही है। लोग इसे कह रहे हैं कि इसकी जो फोल्कलोर है, कल्चर है, जो रूट्स को ये मेंटेन करके रखी है, और जो बेड टाइम टेल्स है जो हमें नानी माँ सुनाती है बचपन में, कि कैसे भगवान का रूप एक नर्तकी में आ जाता है, सॉरी फॉर द अगर मेरे से कुछ गलती होगी नाम लेने में, कि जैसे गुलिका देवी की आत्मा आ जाती है नर्तकी में, फिर वो करतब दिखाता है, फिर वो जो जो उनको मानते नहीं है, जो उनको मतलब पूछते नहीं है, जो उनको खराब करते हैं, उनको खराब बोलते हैं, फिर वो कैसे उनका विनाश करता है, और वो बहुत ही अच्छी वे में दिखाया गया है। हालांकि इसके स्टार्टिंग के 15 मिनट्स और आखिर के 15 मिनट्स में वही थीम मेंटेन किया गया है, पर विद दी अपार्ट फ्रॉम दैट 30 मिनट्स उसका फिल्म पूरा ही फ्लैट है, वो अलग ही चलता है। कहीं कैसे हीरो का लव स्टोरी चलता है, फिर वो कैसे इलीगल तरीके में फॉरेस्ट में कुछ धांधली करते हैं, इलीगल काम करते हैं, फिर वो बड़े साहब को लेके वो बेचते हैं ताकि उनका गुजारा हो जाए, वगैरह वगैरह वैसे सब है। तो जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा मास्टरपीस है, ऐसा आज तक फिल्म बना नहीं है, इसको नेक्स्ट ईयर ऑस्कर्स में जाना चाहिए, मैं बोलना चाहता हूँ प्लीज़ ये हिपोक्रेसी ना दिखाएं। क्योंकि हाल ही में जो अभी 3 साल पहले एक मूवी आई थी तुम्बाड, जिसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स, सिनेमाटोग्राफी, स्टोरी वगैरह वगैरह, क्योंकि हालांकि वो भी ये सिमिलर जोन में आती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, पर वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर थी कंटारा से। हालांकि वो बॉलीवुड मूवी थी, लेकिन उसका बजट कंटारा से ज़्यादा ही कम है। उसको कम से कम 3 साल 2.5 साल लगे थे बनाने में, और यहाँ पे अभी आप आके नहीं बोल सकते कि ये कनाडा की मूवी है, उनकी बैकिंग कुछ नहीं। इसको होमबाले फिल्म्स ने बनाया है, जिसने KGF बनाया है, और होमबाले फिल्म्स अभी एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस बन चुकी है। तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप उसका इसका जो जैसे प्यार दिखा रहे हो, मैं स्पेसिफिकली फॉर द हिंदी ऑडियंस और इवन जो साउथ की ऑडियंस मेरे चैनल पे रेगुलर व्यूइंग कर रही है, तो मैं बताना चाह रहा हूँ, आप अगर उसको 15-20% भी उसका प्यार दिखा दे तुम्बाड़ को, अभी तो उसका ट्रायलॉजी का सेकेंड और थर्ड पार्ट हमें मिल चुका रहता। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देखिए, उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स देख के आपके भौचक्के उड़ जाएंगे। और आप जो बोल रहे हो कि कंटारा ऐसा है वैसा है, ये है वो है, उसको ऑस्कर जीतना चाहिए, बेस्ट फिल्म ऑफ द डिकेड, वो नहीं है। कंटारा उसके सामने एक स्ट्रिक्टली एवरेज फिल्म है, और मेरे लिए भी एक गुड फिल्म है। 3 out of 5, नॉट इवन 4.5, 4 स्टार की मूवी है नहीं, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द क्लाइमेक्स एंड स्टार्टिंग ये फिल्म पूरी फ्लैट जाती है, जैसे मैं प्रीवियसली बता चुका हूँ। और एक बात है, अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले जैसे कार्तिकेया 2 आई थी, रॉकेटरी आई थी, आप उनको बहुत ही अच्छे बोल रहे हो क्योंकि वो साउथ से है, ठीक है, वो मेरे लिए ठीक ठाक थी। जैसे कार्तिकेया 2 मेरे लिए 3 out of 5 थी, क्योंकि वो जो दिखाती है एक्शन एडवेंचर दिखाती है, ठीक है, वो आज तक अटेम्प्ट किया नहीं गया है। पर अभी हमें कुछ 5-6 दिन पहले एक पिक्चर आई है राम सेतु, अक्षय कुमार की, जो बॉलीवुड की पिक्चर है, लोग उसे क्यों प्यार नहीं दिखा रहे हैं? वो भी तो सिमिलर जोन में आती है, उसके लिए क्यों हाइप नहीं है? यूट्यूबर लोग उसको क्यों प्रमोट नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो बॉलीवुड से है, क्योंकि उसकी कंटेंट अच्छी है। अगर वही अगर आदमी अगर खराब कंटेंट बना दे तो उसको कितना ट्रोल करें कि 50 दिन में फिल्म बना देता है, 60 दिन में फिल्म बना देता है, जब उसने अच्छा बात बनाया है, राम सेतु की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रहा है, अपने कल्चर को दिखाया है आफ्टर इन बॉलीवुड आफ्टर सो मेनी टाइम, कि एक पिक्चर ऐसी बनी है कि राम के एग्जिस्टेंस को प्रूव करती है, जो इसको माइथोलॉजी बोल रहे थे, पर ये हमारे इतिहास के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको क्यों नहीं दिखा रहे हैं? हाँ, आगे भी ऐसी कंटिन्यू होने जा रही है, जो बोल रहे हैं कि तुम्बाड़ 2 आएगी तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी मैं लिखत दे रहा हूँ कि कंटारा जितना कमा रही है ना, उसे आधा भी नहीं कमाएगी तुम्बाड़ 2।
ये लोगों की सारी हिपोक्रेसी है। तो प्लीज़ ये बंद कर दीजिए। इरेस्पेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री, इरेस्पेक्टिव ऑफ कंटेंट, आप सभी पिक्चर देखिए, सभी कंटेंट को अप्रिशिएट कीजिए, ना ही किसी को ट्रोल कीजिए। अगर खराब फिल्म आई बॉलीवुड से, बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंडिंग होती है, बॉयकॉट आदि पुरुष ट्रेंडिंग होती है, ठीक है। तो अच्छी फिल्म आई उसके लिए भी ट्रेंड कीजिए, उसके लिए भी सपोर्ट दिखाइए, उसके लिए भी थिएटर जाइए, नारे लगाइए। खराब फिल्म के तो 100-150 मिलियन हो जाते हैं, उसकी तो व्यूइंग बन जाती है। अगर अच्छी फिल्म आए, एग्जाम्पल झुंड होगी, रनवे होगी, उसके व्यूज क्यों नहीं आते हैं? लोग उसे सपोर्ट क्यों नहीं करते? उसके ट्रेलर और सॉन्ग्स चार्टबस्टर क्यों नहीं होते? फिर आप ही लोग कहते हैं कि कि वे कल्ट क्लासेस बंद कर रह जाती है। तो प्लीज़ ये ना करें। इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट्स, इरेस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, आप सभी फिल्में सपोर्ट करें, देखें कि कैसी है। और हाल ही में अभी बता देना चाह रहा हूँ कि आप अगर कुछ देखने की अच्छी इच्छा हो, अच्छी कंटेंट देखने की इच्छा हो, तो मुझे बताइए, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ और करता रहूँगा। तो एक नई पिक्चर आ रही है, वेब सीरीज नाम आ रही है, गुलकंडा टेल्स फ्रॉम द सेम मेकर्स ऑफ द तुम्बाड़, उसके लिए वेट कीजिए, वो बहुत ही अच्छी सीरीज है, आप उसको सपोर्ट कीजिए। बोलिए कि हमें इसे एमी दिखाना है, एमी में जाना चाहिए, क्योंकि मुझे 100% विश्वास है कि वो लोग अच्छा ही दिखाएंगे। तो इसी के साथ मैं रखना चाहता हूँ। टिल देन, इट्स अ बाय बाय।